महिलाओं में होने वाले गुप्त रोगों का प्रतिशत इसलिए अधिक हो रहा है क्योंकि महिलाएं इस विषय पर बात करने से अक्सर झिझकती हैं। प्रत्येक 2 में से एक महिला तनाव के कारण यूरिनरी इंटिनेंस से पीड़ित है। इस समस्या से महिलाओं को शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी के व्यास क्लिनिक में राजस्थान की पहली अत्याधुनिक तकनीक फैमी लिफ्ट को तैयार किया गया है। इस तकनीक पर राजस्थान के मेडिकल संस्थानों JOGS, RGO, AGESR के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चर्चा की। ये तकनीक सुरक्षित होने के साथ ही अत्यधिक प्रभावी भी बताई जा रही है। देखिए, ये हमारी जो महिलाएं हैं उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाले है, बिकॉज़ हमारे यहाँ की महिलाएं बोल नहीं पाती हैं। सबसे बड़ी बात होती है, जैसा अभी डॉक्टर लीला ने कहा कि जितने भी पेशेंट्स हैं जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जैसे छींक बढ़ती है, छींक आती है, जैसे प्रेशर बढ़ता है, पेशेंट बाहर जाना बंद कर देती है, धीरे धीरे उसकी सोशल आउटिंग कम हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है और वो किसी को ये बात कह भी नहीं पाती। दूसरे कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट डिलीवरी, सेकंड डिलीवरी है, सेक्सुअली वो पेशेंट्स इतना अपनी कहानी किसी को कह नहीं पाते कि हम क्या है। हस्बैंड कहता है वजाना बहुत रिलैक्स हो गया है, अब तो हमारे लायक नहीं रहे। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे कहनी पड़ रही हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेडीज एंड दे वो कह नहीं पाती किसी को। तो इन सब चीज़ों की, दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और वजाइनल रिजुविनेशन, जहाँ पे वजाइनल इंट्रोइटिस थोड़ा लूज हो जाता है, उसको टाइट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे और बिना कुछ ज़्यादा एक्सपोजर के दे कैन बी ट्रीटेड एट द क्लिनिक। देखिए, ये जो परेशानी है, जो इनवॉलंट्री यूरिन का लीक हो जाना या उनको जैसे कोई स्ट्रेस होता है, खांसने छींकने इनमें जाता है, पहली बात बता नहीं पाती हैं, दूसरा ट्रीटमेंट के लिए। और ये जो अभी लेज़र की बात अपन कर रहे हैं, ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि इसमें टांके नहीं आते हैं, ये एक आउटडोर प्रोसीजर है, इसको हमें जाके और उसके लिए भर्ती नहीं रहना पड़ रहा है। तो इसमें जब होता है, हमारा सर्जरी के नाम से लोगों का एक्सेप्टेंस थोड़ा कम आ जाता है, बट इसके जो रिजल्ट्स हैं अभी तक जो है, वर्ल्ड वाइड जितनी भी स्टडीज़ हो रही हैं इनके रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। और ये टेक्निक जो है, क्योंकि नई से नई टेक्निक्स आ रही हैं और इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, सेफ़ है ये, और इसमें जो भी महिला है उसको ज़्यादा दिन रेस्ट नहीं करना पड़ता, इमीडिएट अपने काम पे भी जा सकते हैं। इसलिए हम भी ये मानते हैं, जिस तरह पूरे वर्ल्ड में इसकी एक्सेप्टेंस है, हमारे यहाँ भी इसकी एक्सेप्टेंस आएगी और वास्तव में जो परेशानी इतनी, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर रखा है, वो ठीक होएगी और उनको